नमस्कार, मैं हूँ किरण। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। पश्चिम बंगाल से वायरल होने वाले कुत्ते की तरह भौंक रहे शख्स को अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें श्रीकांत दत्ता नाम के शख्स दत्ता की जगह कुत्ता लिखा होने पर अधिकारी की गाड़ी के पास भौंकते हुए नजर आ रहे हैं। सुल्तानपुर में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक गार्ड्स के लिए जैकेट्स मंगवाई हैं। अब से जिले में रात के समय ट्रैफिक गार्ड व्हाइट ग्रीन कलर की रेडियम जैकेट पहनेंगे। सुल्तानपुर में एसपी ने कुछ दिन पहले किए गए ट्रांसफर में संशोधन किया है। इस दौरान उपनिरीक्षक सुरेश कुमार को वल्लीपुर की जगह गुसाईगंज भेजा गया। वहीं वर्तमान वल्लीपुर चौकी इंचार्ज राकेश कुमार ओझा को कुत्ता काटने के कारण घायल होने से अखंड नगर भेजे जाने वाले आदेश को स्थगित कर दिया गया है। सुल्तानपुर में डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई समस्याओं को मौके पर ही निपटाया गया। सुल्तानपुर एसपी ने पुलिस कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए। सुल्तानपुर के दरियापुर में डेंगू मलेरिया का कैंप लगाया गया। इस दौरान सभासद की मौजूदगी में दर्जनों नागरिकों ने अपनी जांच कराई। अमेठी में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान कई उद्यमियों को वित्तीय लाभ के बारे में बताते हुए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अमेठी में यातायात पुलिस ने 253 वाहनों का चालान काटा। इस चालान से 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। अयोध्या में मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह अपने परिवार के साथ पहुंचे। यहां राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह ने हनुमान गढ़ी और रामलला के दर्शन भी किए। बाराबंकी में यातायात पुलिस ने लोगों को अनोखे तरीके से जागरूक किया। इस दौरान यमराज का भेष धारण किए हुए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुलिस के साथ घूमता रहा और पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। बहराइच में यातायात पुलिस ने लोगों को जागरूक करते हुए चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 1,59,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। रामपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। रामपुर में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान उर्फ शानू भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं आजम खान के कई समर्थकों ने भी सपा को छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। रामपुर के पूर्व मंत्री नावेद मियां ने आकाश सक्सेना को सोशल मीडिया से भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। नावेद मियां ने लोगों से उन्हें सपोर्ट करने की अपील की है। रामपुर कांग्रेस के पूर्व मंत्री नावेद मियां ने पत्रकारों से मुलाकात की। इस दौरान नावेद मियां ने आजम खान के परिवार को क्रिमिनल तक कह दिया। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।